राम राम जी। तो भाई अभी रजत दलाल लाइव आया तो इसने कहा था कि भाई अब मेरा जाट समाज तुम्हें बताएगा। एक बात बता, दूसरे की बहन बेटी की इज्जत उछाल के दूसरे की पर्सनल लाइफ तू इस तरीके से सबके सामने रख रहा है, आज तुझे समाज याद आ गया? तूने ऐसा क्या समाज के लिए करा है जो समाज तेरा साथ दे, इस बात का जवाब दे। और मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ भाई, मैं भी जाट समाज से ही हूँ, एक बार मेरी आईडी खोल के देख लेना और एक बार इसकी आईडी खोल के देख लेना कि इसने समाज का नाम कितना ऊंचा कर रखा है। दूसरों की बहन बेटी ने गंदी गंदी गाली बक है, दूसरों की पर्सनल लाइफ में किसकी बहू के कहां तिल है, किसकी बहन के कहां तिल है, और यो कि किसी ने घोड़ी के इस मतलब, अरे हम तो शब्द भी यूज नहीं कर सकते कि अरे बहन बेटी तो हमारे घर में है, बहन बेटी तेरे घर में भी है, अरे शर्म तो कर थोड़ी। अरे तेरी जो लड़ाई है जिससे लड़ाई है तू उसने टारगेट करना, तू उसकी बहन बेटी उसके परिवार से कह ले, यो महाभारत करा देगा बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से यो आके बोल रहा ना और जो समाज ने बीच में लेकर आ रहा है इस तरीके से, भाई यो इंस्टाग्राम पे महाभारत करवा देगा सबसे। भाई मेरी तो यही आग्रह है, यही भाई ये मैं यही बोलना चाहता हूँ, इसके चक्कर में आके 36 बिरादरी अपना भाईचारा खराब ना करे, क्योंकि इसकी कोई इसका पर्सनल मैटर है, इसका समाज का कोई मैटर ना। आज समाज को इस लिए बीच में लेकर आ गया क्योंकि इसकी ईगो हर्ट हो गई और इसकी खुद की ईगो पे बात आ गई, तो आज इसे जाट समाज याद आ गया। भाई मैं आपने कह रहा हूं, चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे गुजर हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई सी भी बिरादरी सो ना भाई, इसके चक्कर में आकर अपना भाईचारा खराब मत करना। यो बड़ा गांडू इंसान है, क्योंकि जो इंसान दूसरे की बहन बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, जो इंसान दूसरे की माँ बहन की इज्जत नहीं कर सकता, वो कभी किसी का नहीं हो सकता, और ना समाज। मैं जाट समाज में जाट भाई, मैं खुद हूं जाट हूं और मैं जाट समाज से भी यही पूछूंगा, क्या जाट समाज कभी भी इस बात को स्वीकार करेगा कि कोई जाट समाज का आदमी दूसरे की बहन बेटी ने गाली बके और जाट समाज उसका साथ दे? कभी नहीं करेगा भाई। कभी तू भोसड़ी के कह है कि मेरे इस पे आ जाओ, जिम पे आ जाओ, कभी तू कह है कि मुठेडी आ जाओ, तुझे भोसड़ी के पूरे फरीदाबाद में ढूंढ मारा, इतना बड़ा बदमाश हो गया ना तू। अब तुझे पता लगेगा किसी की बहन बेटी ने गाली बकना, किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना, और जितने तूने अभी तक झुकाए हैं ना वो सारे तूने ऐसे झुका दिए होंगे, लेकिन अब जो तूने पंगा लिया ना सारे, तेरी गांड में हाथ दे के चढ़ा देंगे, इस बात में ध्यान रखियो। तू सारे इतना बड़ा बदमाश हो गया कि तू इंस्टाग्राम पे किसी ने भी ठाप है, किसी बेचारे ने उसके ने फैमिली में गाली बके है, उसकी माँ ने गाली बके है, और तू सब पर टारगेट कर दे है। अब तू भोसड़ी का अपने सिस्टम ने जोड़ लियो, जो तेरा सिस्टम हो ना उसने जोड़ लियो। आज तू फरीदाबाद में हर जगह ढूंढ लिया लेकिन तू कहीं नहीं मिला, तेरी गांड में हाथ चढ़ाएंगे, इस बात में ध्यान रखियो। तू बस जितना तेरे बच सकता है, जितना तू भग सकता है ना, तू भाग भोसड़ी के, तू कितना भागेगा इस बात में हम भी देखेंगे, ठीक है ना। तू सारे बहन जो 4-5 घंटे से कभी इधर लोकेशन चेंज करे, कभी कौन से गांव में, मुझेड़ी मुझेड़ी, कभी मुझेड़ी गांव में बुलावे, पूरे दिन फरीदाबाद में रहे।